बच्चों हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिससे संबंधित पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक पिछले वीडियोज में हमने विस्तार पूर्वक विवेचना की। आपको समझाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले साधन कौन कौन से हैं, उनकी सह विस्तार से हमने विवेचना की, चाहे वो प्रत्येक साधन हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष साधन हो, चाहे वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों की बात हो, चाहे भूकंप की बात हो, चाहे ज्वालामुखी की बात हो, या ज्वालामुखी की अंतर्वेदी स्थलाकृतियों की बात हो, इनकी सभी की चर्चाएं हमने पिछले वीडियोज में विस्तार पूर्वक विवेचना की। तो बच्चों आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक आराम से उनको देखिए, पॉज कर कर के देखिए, लिखे प्रैक्टिस कीजिए, बार बार दोहराइए, और जब आपके सभी वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं तो बच्चों अब किसकी बारी आती है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करने के, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों हो जाइए तैयार अपनी नोटबुक और पेन लेके, इससे रिलेटेड यानी चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनकी हम सह विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आपको मेरे साथ आइए और अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व हल कर पाओगे जब आपने इससे रिलेटेड पिछले सभी वीडियो आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, मस्तिष्क को केंद्रित करके सुना होगा, और साथ साथ जो समझ में नहीं आया होगा उसको पाठ्य पुस्तक से मिलान करके अपनी नोटबुक में लिखा होगा, तभी इन प्रश्नों को आप क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। तो प्रश्नों की श्रृंखला में हम बढ़ते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। जो हमारा प्रथम प्रश्न होता है वो हमारा होता है मल्टी चॉइस या बहुवैकल्पिक या बहुचयनात्मक या वैकल्पिक प्रश्न, यानी हमें एक प्रश्न होता है और उसके उत्तर के अंदर 4 विकल्प दिए होते हैं। उन 4 विकल्पों में से हमें देखना होता है कि सही विकल्प कौन सा है, तो उस पर हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। प्यारे बच्चों देखो, आपने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले साधनों की सह विस्तार से विवेचना की थी, और मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा भी समझाया था जिसमें मैंने अप्राकृतिक, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य और प्राकृतिक साधनों की चर्चा की थी, जिसमें अप्राकृतिक अप्रत्यक्ष में हमने घनत्व, दबाव, तापमान, चुंबकीय आकर्षण, भूकंप, खनन, इनको शामिल किया गया था, और प्राकृतिक और प्रत्येक साधन में हमने ज्वालामुखी को शामिल किया गया था। देखो ऐसा डायग्राम आपको दिखाया होगा, याद करो आपको इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया था, यानी अप्राकृतिक साधनों में हमने घनत्व, दबाव व तापमान की चर्चा की, और प्रत्यक्ष और प्राकृतिक साधन जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स, कौन से सोर्स, जो हमारी इंटीरियर अर्थ के बारे में जानकारी देते हो, देते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें है वोल्केनो, ज्वालामुखी। और हमारा प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्येक साधन कौन सा है। तो बच्चों देखिए, भूकंपीय तरंगे नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, और क्या मिल गया हमारा राइट आंसर, क्या, ज्वालामुखी। तो प्रत्येक साधन में कौन आ गया, ज्वालामुखी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, दक्षिण ट्रेप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। यदि आपने दक्षिण ट्रेप का नाम सुना हो, पढ़ा हो किसके बारे में, जब ज्वालामुखी का चैप्टर आया था उसके अंदर, तो याद करो बच्चों, जो बेसाल्ट का लावा प्रवाह क्षेत्र था उससे भारत का क्या बना है, दक्षिण ट्रेप बना है, किससे, बेसाल्ट लावा प्रवाह से। तो देखते हैं, सिल्ड नहीं,
मिस्र नहीं, परवाह, इसमें सिर्फ परवाह दे रखा है। और आपकी पुस्तक में क्या दे रखा है? बेसाल्ट लावा परवाह। तो हमारा राइट आंसर ग, बेसाल्ट लावा परवाह। चलते हैं अगले पर्सन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा स्थलखंड को वर्णित करता है? मैंने बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने कितने भागों में बांटा था? तीन भागों में बांटा था, कास्ट सबसे ऊपरी भाग को, फिर मेंटल को, और फिर अंदर भाग को किस नाम से? कोर भाग से, यानी क्रिस्ट, मेंटल और कोर। इसी प्रकार से हमारे एडवर्ड सेवेस महोदय ने इसको क्या कहा था? सियाल, सीमा व नीफे कहा था। अब पर्सन क्या डिमांड कर रहा है कि हमारा जो स्थल मंडल में क्या शामिल है? तो हमने बताया था आपको कि लिथोस्फीयर, क्या लिथोस्फीयर में क्या शामिल किया था हमने? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को शामिल किया था। ये देखो क्या दिखा रखा है आपको, ये क्रस्ट दिखा रखा है, और क्रस्ट के पास में ये क्या लिखा हुआ है? लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल। आप अपनी पुस्तकों में लिख लो, स्थल मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या क्या शामिल है इसमें? क्रस्ट शामिल है, क्रस्ट को हमने क्या कहा? भूपर्पटी कहा। और फिर क्या शामिल है? अपर मेंटल शामिल है, यानी ऊपरी मेंटल शामिल है। तो हमारे स्थल मंडल में क्या क्या शामिल हो गया? भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल शामिल हो गया। तो चलते हैं विकल्पों की ओर, कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं। पहला है ऊपरी व निचली मेंटल, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। दूसरा है भूपटल व क्रोट, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा देखो, भूपटल व ऊपरी मेंटल, और मैंने क्या बताया? भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल, यानी भूपटल को ही क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या? ग। आ रहा है बच्चों समझ में? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है, यानी कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो भूपटल में संकुचन ला रही है और क्या ला रही है? फैलाव ला रही है। तो हमारी जो प्राथमिक तरंगे थी, जो प्राइमरी वेव्स के नाम से जानी जाती थी, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में जब जाती थी तो चट्टानों में संकुचन भी करती थी और फैलाव भी लाती थी। तो राइट आंसर क्या? प्राइमरी वेज पी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्रात्मक पर्सन, यानी निम्नलिखित पर्सनों के उत्तर 30 शब्दों में लिखना है। कितने में लिखना है? 30 शब्दों में लिखना है। देखो, भूगर्भीय तरंगे क्या होती है? भूगर्भीय तरंगे किससे संबंधित है बच्चों? माइंड पे जोर डालिए, पढ़े हुए को चिंतन करिए, मनन करिए, रिवाइज्ड करिए, कि जो भूकंप आता था तो उद्गम केंद्र से, भूकंप मूल से, उत्पत्ति केंद्र से, अव केंद्र से, हाइपोसेंटर से, जब वहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती थी तो वहाँ से क्या निकलती थी? वेव्स निकलती थी चारों तरफ। और जब वो वेव्स यहाँ भूकंप मूल से ऊपर की ओर आती थी तो ये अधिकेंद्र या इपिसेंटर कहलाता था, और यहाँ से चारों तरफ तरंगे जाती थी। तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम भूगर्भीय या भूगर्भिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। देखो, भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, यानी यहाँ से उत्पन्न होगी। तो यानी ये धरातल पे सबसे पहले पहुंची, तो इसे तो हमने क्या कह दिया? इसको तो हमने इपिसेंटर बोल दिया, और इसको हमने बोल दिया हाइपोसेंटर, या दूसरा नाम क्या कहते हैं? फोकस, ये बोल दिया। मगर यहाँ से चारों दिशाओं में भी क्या जा रही है? तरंगे जा रही है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्येक साधनों के नाम बताइए। अभी हमने चर्चा की थी डायग्राम के द्वारा प्रत्येक साधन और प्रत्येक साधनों की। तो देखिए, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्येक साधन निम्न है, ये डायग्राम के द्वारा आप और समझ लीजिए। यानी ये अप्राकृतिक साधन, और हमारे को प्रश्न क्या पूछा गया है?
हमारे को प्रश्न पूछा गया है सिर्फ क्या प्रत्येक साधनों के बारे में जानकारी देनी है, मगर आप इसमें क्या ले लो, दोनों प्रकार के साधनों के बारे में जानकारी जुटा लो। बच्चों देखो, अप्राकृतिक में घनत्व दबाव है तापमान, और इसी में भूकंप शामिल किया जाता है, इसी में चुंबकीय आकर्षण शामिल किया जाता है। फिर देखो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों से साक्ष्य, और फिर है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में एक ज्वालामुखी दे रखा है, और कुछ छोटे छोटे क्या दे रखे हैं, धरातलीय ठोस चट्टाने दे रखी है, भूगर्भ क्षेत्रों में प्रवर्धन द्वारा प्राप्त चट्टाने दे रखी है, प्रवर्धन यानी ड्रिलिंग करते हैं उसे, और ज्वालामुखी उद्गार, यानी ये प्रत्येक साधन है। अगला प्रश्न, भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बढ़ाती है, यानी जो हमारे उद्गम केंद्र से, यानी ये यहाँ से क्या हो रहा है, भूकंप का उद्गम हो रहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रस्ट है, और ये हमारा मेंटल है, और ये हमारा कोर है, यानी ये क्रस्ट भाग हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये कोर भाग हो गया। अब इसमें तीन प्रकार की तरंगे चलती है, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव, जिन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय लहरों के नाम से जाना जाता है। जब ये तरंगे चलती है तो यानी ये यहाँ से तरंगे चलती है इस प्रकार से, ये प्राइमरी तरंगे जो ठोस, दर और गैस तीनों में से गुजरती है, कुछ सेकेंडरी तरंगे जो केवल ठोस भाग से गुजरती है, और धरातलीय तरंगे धरातल के ऊपर चलती है। तो जब ये तरंगे चलती है तो यहाँ से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है, उस 105 से 145 डिग्री के बीच में किसी भी प्रकार की कोई तरंगे नहीं चलती, यानी इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की तरंगे नहीं चलती, तो इसे कहते हैं छाया क्षेत्र, शेडो जोन, यानी यहाँ पे कोई तरंगे नहीं चलती। और जब सेकेंडरी तरंगे चलती है, यानी ये प्राइमरी का क्षेत्र कहलाता है, और जब सेकेंडरी चलती है तो सेकेंडरी ठोस दर ठोस में चलती है, दर गैस में नहीं चलती, तो इस 105 डिग्री से लेके और इस 105 डिग्री तक टोटल सेकेंडरी का शेडो जोन कहलाता है। देखिए भूकंप लेप की यंत्र पर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अधिलेखित नहीं होती, यानी कोई भी तरंग रिकॉर्ड नहीं होती, ऐसे क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। भूकंपीय पी तरंगे भूकंप अधिक केंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र में छाया क्षेत्र बनाती है, जबकि एस तरंगे 105 डिग्री के बाद वाले पूरे क्षेत्र में छाया क्षेत्र बनाती है। कैसे, देखो आपको मैं इस डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। इधर देखो, प्यारे बच्चों, ये यहां पे दे रखा है हमारे को इपी सेंटर, क्या दे रखा है, इपी सेंटर, यानी भूकंप अधिकेंद्र दे रखा है। इस भूकंप अधिकेंद्र से चारों तरफ क्या निकल रही है, तरंगे निकल रही है, और इन तरंगों के बारे में मैंने बताया था कि जो प्राइमरी वेव होती है वो तीनों तरफ, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों भागों से होकर गुजरती है। आपने ये भी चर्चा की थी कि जो हमारा कोर भाग है, वो कोर का जो आंतरिक भाग है वो तो ठोस है, मगर जो बाह्य भाग है वो तरल अवस्था के अंदर है। तो यहां से ये प्राइमरी तरंगे आती है, ये देखो, यानी ये प्राइमरी तरंगे इस ठोस भाग से भी निकल रही है, इस द्रव भाग से भी निकल रही है, और इस ठोस भाग से वापिस से निकल रही है, यानी ये ठोस, द्रव और गैस तीनों भागों से गुजरती हुई आ रही है। कौन सी तरंगे, प्राइमरी वेव्स, कौन सी, प्राथमिक तरंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स की, यानी जब भूकंप अधिकेंद्र से सेकेंडरी वेव्स आती है तो ये सिर्फ ठोस भाग से होकर गुजरती है, कौन से भाग से, केवल ठोस भाग से होकर गुजरती है। ये देखो, ये केवल कहाँ गुजर रही है, ये केवल ठोस भाग से गुजर रही है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे 105 डिग्री है और ये 145 डिग्री है, ये 105 डिग्री है
और ये 145 डिग्री है, यानी इस भाग में, यानी यहां से यहां तक इस भाग में प्राइमरी तरंगे नहीं आती, इस भाग से कोई भी तरंग नहीं गुजरती, तो यह क्षेत्र 105 से 145 डिग्री और इधर 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन है। कौन सी वेव्स का? प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र है। किस तरंगों की बात हुई? प्राथमिक तरंगों की। अब देखते हैं सेकेंडरी तरंगों की ओर, इधर चलते हैं सेकेंडरी वेव्स। कौन सी तरंगों की चर्चा करते हैं? सेकेंडरी वेव्स की चर्चा करते हैं। सेकेंडरी वेव्स है, आप इधर देखो बच्चों, यानी यहां से तो क्या हो रहा है? भूकंप का उद्गम हो रहा है, यानी यहां से तरंगे कहां जा रही है? इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी ये कोर भाग है। और कोर भाग कैसा है? यदि बाह्य कोर की बात करें तो वो लिक्विड है, वो फ्लूइडिक है, वो तरल है। और हमारी सेकेंडरी वेव्स है जो द्वितीयक तरंगे, उनकी ये विशेषता है कि वो ठोस भाग से गुजरती है, द्रव और गैस भाग से नहीं गुजरती। तो हम देखते हैं कि इस भाग से, यानी यहाँ 105 डिग्री से इस 105 डिग्री के बीच में द्वितीयक तरंगे नहीं गुजरती, यानी सेकेंडरी वेव्स नहीं गुजरती। कहने का मतलब इस 105 से इस 105 के बीच में द्वितीयक तरंगे नहीं गुजरती, यानी प्राइमरी वेव्स से सेकेंडरी वेव्स का छाया क्षेत्र ज्यादा है। देखो कैसे, यानी हमने प्राइमरी देखी और प्राइमरी में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्राइमरी वेव्स यहां यहां गुजर रही है, 105 से 145, 105 से 145। मगर जो सेकेंडरी वेव्स है वो तो इस 105 से इस 105 के बीच में भी नहीं जाती। तो ये हुई हमारी भूकंपीय छाया क्षेत्र की चर्चा। प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अप्रत्यक्ष साधन कौन कौन से थे? अभी हमने चर्चा की अप्रत्यक्ष साधनों की, घनत्व, दबाव और तापक्रम। इसके अलावा इसमें उल्कापिंड भी शामिल किए गए, खनन क्रिया भी शामिल किया गया, गुरुत्वाकर्षण भी शामिल किया गया, चुंबकीय क्षेत्र भी शामिल किया गया और भूकंपीय या भूकंप को भी, भूकंप संबंधी क्रियाओं को भी शामिल किया गया। देखो, जिन साधनों से अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उन्हें अप्रत्यक्ष, अप्राकृतिक या इनडायरेक्ट सोर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत तापमान, दबाव, घनत्व, मुख्य तो क्या है? टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर। फिर है मटेरियल्स, उल्काएं, माइनिंग प्रोसेस, खनन क्रियाएं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं, अर्थक्वेक रिलेटेड प्रोसेस को शामिल किया जाता है। और इस डायग्राम से आपने पहले भी देखा और अब भी देख चुके हो, यानी घनत्व, दबाव और तापक्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को कौन से प्रश्न? निबंधात्मक, ऐसे टाइप क्वेश्चन। और हमें कितने शब्दों में? 150 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। पहला देखो, भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताइए जिनसे होकर ये तरंगे गुजरती है, यानी जो तरंगे जिन चट्टानों से होकर गुजरती है तो उन पे क्या भूकंपीय प्रभाव पड़ता है उनके बारे में बताना है। देखो क्या क्या प्रभाव होता है। भूकंपीय यंत्र सीस्मोग्राफ, यानी कौन से यंत्र के द्वारा हम मापते हैं भूकंप को? सीस्मोग्राफ के द्वारा। सतह पर पूछने वाले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्डेड किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये तरंगे संचरित होती है वैसे ही सेलों में क्या हो जाती है? कंपन पैदा हो जाती है। जैसे ही तरंगे आएगी, भूकंप आएगी तो पृथ्वी क्या होगी? हिलेगी। भूकंप को आपने परिभाषित किया था ना, क्या?
सेकिंग ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का हिलना कंपन करना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ये मार्ग में आने वाली चट्टानों को उनको प्रकृति के अनुसार प्रभावित होती है और ये चट्टानों को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। यानी ये आपको मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, भूकंप मूल और ये आपका अधिकेंद्र। जब ये यहाँ से यहाँ आएगी तो इनमें जो बीच की चट्टाने हैं इनमें कंपन पैदा होगा। ये देखो ये प्राइमरी वेव, ये सेकेंडरी वेव और ये सरफेस वेव। ये प्राइमरी वेव, ये सेकेंडरी, ये लॉन्ग वेव, इन्हें रेले वेव भी कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे देखो, ये तीव्र गति से चलने वाली तरंगे और जो धवनी तरंगों के जैसे होती है, सबसे पहले धरातल पे पहुंचती है, ठोस द्रव और गैस तीनों से गुजरती है, गैस तरल और ठोस से गुजरती है, तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, संचरण की गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है और पदार्थ के घनत्व में अंतर आ जाता है और सेलों में संकुचन और फैलाव की क्रिया होती है। चट्टानों पे क्या हुआ, जैसे ही तरंगे कंपन करेगी, क्या चट्टानों पे कंपन करेगी तो वो क्या होगी, उन पे दबाव पड़ेगा, दबाव होगा तो क्या होगा, घनत्व में अंतर आएगा, घनत्व में अंतर आएगा तो क्या होगा, सेलों में संकुचन और फैलाव होगा और उन पे चटकन की क्रिया प्रारंभ होगी और चट्टाने टूट जाएगी। द्वितीय तरंगों का क्या प्रभाव है, देखो ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है। ये देखो ये तो प्राइमरी वेव है जो ठोस द्रव तीनों से गुजर रही है और ये सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ कहाँ कहाँ से गुजर रही है, ठोस भाग से गुजरती है। ये तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। ये तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बना देती है। उसमें तो क्या हो रहा था, संकुचन व फैलाव हो रहा था बच्चों, मगर इसमें क्या हो रहा है, इसमें उभार बन रहा है और गर्त बन रहे हैं। देखते हैं धरातलीय तरंगे, ये तरंगे भूकंप लेकी पर सबसे अंत में आती है। सबसे पहले कौन सी, प्राइमरी, और सबसे अंत में कौन सी, धरातलीय, और ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। इन तरंगों से सेले विस्थापित हो जाती है और इमारतें गिर जाती है। तो तीनों प्रकार की तरंगों का हमने प्रभाव देखा, पहले से क्या हो रहा है, संकुचन और विस्तार हो रहा है, दूसरी से उभार व गर्त बन रहा है और तीसरी से इमारतें ढही जा रही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अरे बच्चों याद करो, जब आपको पार्ट 7 में ज्वालामुखी अंतर्वेदी स्थलाकृतियां पढ़ाई थी उससे संबंधित ये प्रश्न है। यानी अंतर्वेदी आकृतियां, यानी यहां से क्या आया, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यहाँ पे जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे किस नाम से जाना गया, उसे मैग्मा के नाम से जाना गया। जब यहाँ से दबाव पड़ा और मैग्मा ये जब ऊपर की ओर आया धरातल पे, तो इसे हमने क्या कहा था, इसको हमने लावा कहा था। मगर कई बार क्या होता है, यानी जब ये मैग्मा ऊपर आता है तो ये धरातल पे नहीं पूछ पाता, और धरातल पे नहीं पूछ पाता तो ये भू परपट्टी के नीचे, यानी ये हमारी क्रस्ट है और इस क्रस्ट के नीचे ही क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, इस प्रकार से जमा हो जाता है। जब ये इस प्रकार से जमा होता है तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनको क्या कहा जाता है, अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। और ये हमें कब दिखाई देते हैं, जब इन पे हमारे भूपट्टी भाग पे क्या होता है, अनाच्छादन प्रक्रिया होती है, डेनुडेशन स्टार्ट होता है। डेनुडेशन का मतलब क्या होता है, वेदरिंग प्लस इरोजन। वेदरिंग का मतलब क्या, अपक्षय, और इरोजन का मतलब क्या, अपरदन। यानी अपक्षय का मतलब क्या, भौतिक और रासायनिक परक्रमों के द्वारा, यानी चट्टाने अपने ही स्थान पे सब स्थान पे विखंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपक्षय कहते हैं। और टूटी हुई चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब अपरदित कर दिया जाता है तो उसे इरोजन या अपरदन
कहते हैं जब इस भाग से जब अपक्ष और अपर्दन होगा, अनाचादन होगा, तो ये भूपरपट्टी का ऊपरी भाग क्या होगा? ऊपरी भाग क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी ये भाग क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और जब ये भाग हट जाएगा तो हमें क्या दिखाई देंगे? हमें ये जो नीचे हमारी अंतर्वेदी स्थला कृतियां बनी थी, कौन कौन सी? इस प्रकार से बेथोलित, लेखोलित, लेपोलित, फेकोलित, सील और डाइक, ये हमें क्या होगी? दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से जो स्थला कृतियां बनेंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थला कृतियां। तो हम एक एक की चर्चा पुनः कर लेते हैं। आप चाहो तो इससे संबंधित पार्ट 7 चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी मैंने विस्तार पूर्वक विवेचना कर रखी है, मगर आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों के साथ और समझ लीजिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, माइंड में दोबारा याद आ जाएगी, भूली भटकी चीजें वापस याद आ जाएगी और आप दोबारा इसे याद आसानी से कर पाओगे। देखो ज्वालामुखी इसला कर दिया, यानी यहाँ से हमारा मैग्मा निकला और यहाँ जम गया, और इस प्रकार से जब जमा गुंबदनुमा रूप से और सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप में, तो इसे हमने क्या कहा? इसने हमने बेथोलित कहा। जब यहाँ से लावा निकला, मैग्मा निकला और यहाँ पे गुंबदनुमा रूप में जमा, तो इसे हमने लेखोलित कहा। और यही जब किसमें? लहरदार रूप में अभिनति और अपनति के रूप में जमा होता है, तो उसे हमने फेकोलित कहा। और जब ये ऊर्ध्वाधर रूप में जमा होता है तो इसे हमने क्या कहा? इसको हमने डाइक कहा। और यही जब किसमें? वर्टिकल क्षैतिज रूप में जमा होता है तो इसे सील कहा। और यदि ये जमाव क्या होता है? कम होता है, तो उसे हमने सीट कहा। तो ये हुई क्या हमारी अंतर्वेदी इस्तला कृतियां। तो पहली पे चर्चा करते हैं, बेथोलित पे। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपरपट्टी में अधिक गहराई पे ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यही धरातल पे प्रकट होता है, जैसे अभी मैंने समझाया। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। यानी ये पूरा का पूरा भाग क्या है? ये आपका बेथोलित है। ये है बेथोलित। देखो बच्चों, क्या है ये बेथोलित? कैसा आकार? गुंबदाकार आकार में, गुंबद के रूप में जमा हो गया, बड़े पिंड के रूप में। और कैसे दिखेगा? जब इस पे क्या होगा? इस पे अनाच्छादन होगा। ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं। ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। इन्हें बेथोलित कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग है। मैग्मा यहाँ से आकर यहाँ पे जमा हो जाता है। यदि ये इस पे धरातल पे आ जाता तो क्या कहलाता? लावा कहलाता। लेखोलित गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान, जिनका तल समतल एक पाइप रूपी वाहन नालिका के द्वारा जुड़ा रहता है। ये देखो पाइपलाइन दिख रही है, ये इससे जुड़ा रहता है। किसका? लेखोलित का। ये लेपोलित और लेखोलित को ध्यान रखना। लेखोलित तो है वो कैसा है? गुंबदनुमा है, मगर लेपोलित है वो तस्त्री नुमा है। दोनों में अंतर ध्यान रखना, कई बार बच्चे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद के समान होती है। केवल इतना अंतर होता है कि लेखोलित तो जमीन के नीचे पाया जाता है और मिश्रित ज्वालामुखी जमीन के ऊपर पाई जाती है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ही ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां अब अधिकतर अपतरित हो चुकी है, यानी ऊपरी आवरण उनका हट चुका है। वह धरातल पर देखी जा सकती है। लेखोलित और बेथोलित के अच्छे उदाहरण है।
लेपोलित ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज अवस्था में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लेपोलित कहेंगे। बच्चों ध्यान रखना, लेपोलित को क्या आया था? गुंबद, और लेपोलित क्या आया है? तस्तरी नुमा। और जब मैग्मा अपनति और अभिनति में जम जाए और आकृति कैसी हो जाए? लहरदार हो जाए, तो उसे क्या कहा गया? उसे फेकोलित कहा गया। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर और अभिनति के तल में जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टाने एक निश्चित वाहक नली के मैग्मा से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? उसे फेकोलित कहते हैं। तो इस प्रकार को क्या कहेंगे? फेकोलित। देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है? आकृतियां बन रही है आपको, किस प्रकार की? लहर नुमा। इस लहर नुमा में क्या हो रहा है? ये मैग्मा जमा हो रहा है। ये यहां देखो अभिनति में, और ये देखो अपनति के रूप के अंदर। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों मकानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। जब जमाव की मोटाई के आधार पर विभाजित किया जाता है, कम मोटाई वाले जमाव को सीट और घनी मोटाई वाले जमाव को सील। किस प्रकार से? क्षैतिज रूप से। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सील और डाइक को कई बार पूछा गया है और कई बार बच्चे गलत करते हैं। सील का मतलब क्षैतिज अवस्था में। ये कैसी अवस्था है? ये क्षैतिज अवस्था है इस प्रकार से। और ये कैसी है? दीवार के समान ऊर्ध्वाधर है। तो यदि क्षैतिज हो तो वो क्या कहलाएगी? सील। और वो ऊर्ध्वाधर हो तो वो क्या कहलाएगी? डाइक कहलाएगी। और सील में भी यदि जमाव कम हो तो वो सीट कहलाएगी, जमाव ज्यादा हो तो सील कहलाएगी। जब लावा का प्रभाव दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता हो रहा, अगर यही इसी अवस्था में ठंडा हो जाए और दीवार की भांति संरचना बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्खन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। यानी इस प्रकार से ये देखो जमा हो रहा है ये मैग्मा, ये पूरे के पूरे क्या है? ये डाइक है। तो प्यारे बच्चों, आपने पार्ट 8 चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अभ्यास प्रश्न, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न व निबंधात्मक प्रश्नों की सह विस्तार पूर्वक विवेचना की। और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि यदि इन प्रश्नों को आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको हल करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बच्चों फिर मैं बार बार आपको एक बात बताता हूँ, यदि भूगोल पढ़ रहे हो तो उसमें डायग्राम जरूरी है। आपसे पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के परतों का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको उसको क्रस्ट मेंटल कोर के रूप में बनाइए, सियाल सीमा निफ़े के बारे में बताइए। आपको एस्टेनोस्फीयर के बारे में पूछा जाता है तो आपको उसमें क्रस्ट और मेंटल दिखाइए और मेंटल के ऊपरी भाग में उसको एस्टेनोस्फीयर दिखाइए हर चीज को। आपको अंतर्वेदी चट्टानों के बारे में पूछा जाता है तो इस प्रकार के डायग्राम बनाइए, तो इसमें बेथोलित, लेखोलित, फेकोलित, लेपोलित, सील और डाइक को दिखाइए, तब जाके आपका भूगोल पढ़ना कारगर सिद्ध होगा। अदरवाइज आप लिखते ही लिखते जाओगे तो आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे और आपका लिखा हुआ आकर्षित भी नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भूगोल पढ़ो तो एक तो मानचित्र, दूसरे डायग्राम, इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो आप मेरे पार्ट 8 चैप्टर 3 पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अपने सब्जेक्ट टीचर से होमवर्क को जांच कराइए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।